बनवारे बिनदामो चे रणीतन मन की कोट जनम बलवा रे बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत। नमस्कार, आदाब, शख्सियत में मैं समीना आप सबका खैर मकदम करती हूँ। अभी जो आवाज़ आपने सुनी, अगर उनके लिए ये कहा जाए कि आवाज़ पे संगीत का होता है भरम, करवट लेती है नरम लय में सरगम, ये बोल सुरीले थरथराती है फ़ज़ा, अनदेखे साज का खनकना पहम। शख्सियत में आज मुलाकात किराना घराने के खलीफा और मशहूर व मारूफ फ़नकार उस्ताद मशकूर अली खान साहब से। बने बने टने टने आवत आवत है नार नार अलबेली अलबेली। एक सफर विरासत का और विरासत के आईने में बंदिशों का नायाब खजाना। किराना घराने की शान उस्ताद अब्दुल करीम खान और उस्ताद अब्दुल वाहिद खान की परंपरा को आगे बढ़ाने का अज़्म लिए उस्ताद मशकूर अली खान 27 फरवरी 1957 को मशहूर व मारूफ सारंगी नवाज उस्ताद शकूर खान के यहाँ उस्ताद मशकूर अली खान साहिब ने जन्म लिया। पिता सारंगी नवाज थे और सारंगी वाद्य आवाज की बेहद करीब का साज माना जाता है, लिहाजा तालीम का अंदाज औरों से अलग रहा। रागों में निहित बंदिशों को बरतने और उन्हें पूरी शुद्धता के साथ पेश करने का सलीका उन्हें विरसे में मिला। पंद्रह साल की कड़ी मेहनत और रियाज के बाद उस्ताद मशकूर अली खान साहिब ने संगीत की दुनिया में अपना एक अलग मकाम बनाया। एक ही बंदिश को बहुआयामी कल्पनाशीलता के साथ पूरी खूबसूरती के साथ पेश करने का हुनर वो बखूबी जानते हैं। संगीत के सफर में वो ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन से भी जुड़े। इस दौरान उन्होंने देश के साथ साथ विदेशों में एक से बढ़कर एक कार्यक्रम पेश किए। आपको बंदिश नवाज के खिताब से नवाजा गया। संगीत में सक्रिय रहते हुए कुछ सार्थक करने की उम्मीद उन्हें ले आई आईटीसी संगीत रिसर्च अकादमी में, जहां वो अपनी संगीत साधना के साथ युवाओं को संगीत की शिक्षा देने का काम अंजाम दे रहे हैं। आज की तारीख में आप विभिन्न चैनलों द्वारा कराई जा रही
संगीत की प्रतियोगिताओं में भी शामिल हो रहे हैं। संगीत की खिदमत के लिए आपको बेशुमार एजाजात से नवाजा गया। उस्ताद मशकूर अली खान साहिब का ख्वाब है कि बुजुर्गों की अनमोल बंदिशों को ज्यादा से ज्यादा सुनने वालों तक पहुंचाया जा सके और इसके लिए वो दिन रात कोशा है। बहुत बहुत खुश आमदीद खान साहब प्रोग्राम शख्सियत में आपका। जी मैं भी बड़ा खुश हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत आप ही के अपने घर से करना चाहूँगी, आपके वालिद साहब से, आपके बचपन से और आपकी तालीम से। जी मैं अर्ज़ करूँ कि मैं बहुत कम उम्र से मैंने गाना बजाना गाना शुरू किया। जब मैं 4 साल का था तब मेरे वालिद क़िबला पद्मश्री उस्ताद शकूर ख़ान साहब मुझे अपनी माँ से अलग करके दिल्ली के अंदर ले आए थे। वो अपने काम के बेमिसाल थे, जितना गाना गाते थे उतनी सारंगी बजाते थे और सारंगी में तो बेजोड़ थे। ऐसी सारंगी मैंने अभी तक के नहीं सुनी। कुछ लोग सारंगी ऐसे थे जो एक ताल के अलावा हटते ही नहीं थे या ज़्यादा से ज़्यादा 3 ताल या 1 ताल कर लिया। वो हर ताल में बजाते थे, एक वही झूमरा, तिलवाड़ा, 15 मात्रे की सवारी, झोलदार, कोई अपने गधे की दुम का ठेका। अच्छा, ये भी एक ठेका है पुराना। अच्छा, आप यकीन मानिए कि मैंने ऐसा सरंगी अपने दौर में सुना नहीं, किसी में आज तक के हाथ बंद होते नहीं देखा। नहीं तो बहुत सारे सारंगी ऐसे बताते थे यहाँ से सीधी सपाट मार के चले गए, वहाँ से वापस चले आए, यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, यहाँ चले गए। सारंगी वो होनी चाहिए जो बलदार हो। उनका गज का कमांड जो था वो ऐसा था कि 2 उंगली के अंदर उनका गज रहता था और कभी इस तरीके से झपट्टा उन्होंने नहीं मारा। जो बचती थी वो ये हाथ से बचती थी और गज का कमांड ऐसा था, इतने से गज के अंदर 3 सप्तक की तान खींच के उनकी चली आती थी, जो औरों से मैंने नहीं सुनी। बहुत बड़ी बात। तो बेमिसाल थे अपनी सारंगी के, जो सारंगी के कानून हैं वो जानते थे। एक चीज़ और है, लोगों की तालीम सब लोगों की एमन से होती है। हाँ हाँ। और मेरी तालीम शुरू हुई थी राग देसकार से। अरे, हरी हरी नाम जपत मन मेरे, संकट दुख दूर करो छिन मेरे। ये मुझे उन्होंने सिखलाना शुरू करा था, भाई ऐसे कर, इसको इसको ऐसे कर, ऐसे कर। तो इसी तरीके से फिर उसके बाद में एरी आली पिया बिन, हाँ। वो सिखला। मतलब कुछ जैसे बहुत सारे लोगों के अलग अलग कानून होते ना, कोई मन से शुरू करता है, कोई भैरव से शुरू करता है, वो इस तरीके से। मेरे कानून और मेरे वालिद के जो कानून थे वो कुछ अलग हटके थे। इस तरीके से हमारी तालीम शुरू हुई इतनी कम उम्र से। मुझे ये बताइए, वो तो बहुत बड़े सारंगी नवाज रहे आपके वालिद साहब जी, तो उन्होंने आपको गायकी की तरफ कैसे कर मोड़ दिया कि आपको सारंगी बजाने के लिए नहीं रखा? दरअसल वो बड़े गर्म मिजाज थे। हाँ। उनको एक भी बात ज़्यादा सह नहीं पाते थे वो। तो उन्होंने ये सोचा कि कुछ दौर ऐसा आ गया था कि हमारे यहाँ जो किराने घराने की जो एक गायकी है, जो कि हमारे दादा की बहुत बड़ी देन है उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब की, जो कि उन्होंने इतनी छोटी गायकी हुआ करती थी, इतनी लंबी चौड़ी नहीं थी, उन्होंने उसको बढ़ा के इतनी बड़ी करी। एक सुर कितने अंदाज से लग सकता है, उसका वादी संवादी भी कायम रहे, तो उन्होंने उसको इतना बड़ा कर दिया। तो ये देन खान साहब अब्दुल वहीद खान साहब की थी, नहीं तो उससे पहले लोग 2-4 बहलावे करते थे और तानों के ऊपर आ जाते थे और आने के बाद में दे तान दे तान दे तान तो ख़त्म करते, मतलब दुरुती गाना ज़्यादा था। लेकिन उन्होंने उसको विलंबित झूमरे में, झूमरा उन्हीं की देन है, ये ताल तो बहुत पुराना हज़रत अमीर खुसरो का है, लेकिन इसको राइज और इसको ज़्यादातर जो मशहूर किया वो अब्दुल वहीद खान साहब ने किया, इसको विलंबित झूमरा बनाने के बाद में, क्योंकि इसके अंदर गेप उनको ज़्यादा मिलता था। हाँ। तो ज़्यादा मतलब बढ़त करने के बाद में फिर वो बोल पकड़ के आते थे। तो वो एक नई गायकी ईजाद एक हुई
लेकिन खान साहब अब्दुल करीम खान साहब ने, क्यों चूँकि हमारा संबंध कर्नाटक से भी है, वहाँ के जो नायक गोपाल जी थे, हाँ। जो हज़रत अमीर खुसरो के दरबार में मुलाजिम थे, उनके बाद वाले शागिर्दों में से नायक धौंदू नायक बन्नू थे जो द्रुपदीय थे, तो उनसे हमारा ताल्लुक़ है। अच्छा, तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो किराने में जो सरगम करी जाती है उसमें साउथ का टच है, तो हम बिल्कुल उसको वैसे ही तरीके से नहीं करते लेकिन अपने अंदाज से करते हैं, लेकिन जो ज़रबे जो लगाई जाती हैं वो उसी तरीके की लगाई जाती हैं और उसमें कुछ छूट के काम ज़्यादा करे जाते। मैं आपको सही अगर बात बताऊं तो 90% इस टाइम लोग जो हैं वो किराने घराने का गाना गा रहे हैं, जैसे अब्दुल करीम खान साहब ने पिया बे नहीं आवा चैन, मेरे पिया बे ना चैन, एक सरगम उन्होंने ली है, सानी राता तानी दा मगे रे तानी दा सारे ग प मगे सारे मा पा दा मामा पा दा दा पा दा दाने के मगे रे तानी दा पा रे तानी दा पा दा पा मगे मावत चैन। तो ये सरगम इस तरीके के अब्दुल करीम खान साहब भी लाए गए, लेकिन वहीद खान साहब ने इसको अलगारो बना दिया इसको। फिर उनके शागिर्द वगैरह से थे, कुछ सुन्नी शागिर्द थे, कुछ गंडाबन शागिर्द थे, जैसे बेगम अख्तर, प्लेबैक मोहम्मद रफ़ी, हीराबाई बड़ौदेकर, सुरेश बाबू, सरस्वती राने, ऐसे ऐसे उनके जो थे गंडेबन शागिर्द थे, और उस्ताद अमीर खान साहब ने उसी गायकी को लेने के बाद में, अच्छा, उस्ताद अमीर खान साहब रूहानी उनके उस्ताद थे वहीद खान साहब के, अगर वहीद खान साहब ना होते तो अमीर खान साहब ना होते। खान साहब, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जिस वक्त आप सीख रहे थे और जिस वक्त आप गायकी में रम रहे थे, बड़ी खूबसूरत महफिलें हुआ करती थीं और आपको मौका मिला होगा उन लोगों के साथ बैठने का जिनको तो सिर्फ हमने पढ़ा है या कभी थोड़ा बहुत देखा है, वो भी वीडियो पर, तो उनके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो। मैं एक हिसाब से बड़ा खुश नसीब हूँ, जो अच्छे अच्छे बुजुर्ग गुनी लोग थे मैंने उनके दीदार कर लिए, जैसे उस्ताद विलायत हुसैन खान साहब आगरे वाले, उस्ताद अल्ताफ हुसैन खान साहब खुरजे वाले, पंडित रामचंद्र मलिक जी दरभंगा वाले, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उनको मैंने बीमारी की हालत में देखा, अमीर खान साहब, उस्ताद अमीर खान साहब को मैंने अपना गाना सुनाया, ये 1966 की बात है जब मेरे दादा की बरसी हो रही थी NDMC हॉल में, तो खान साहब अमीर खान साहब आए थे और मुझे सुन के गए, ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। तो उनको भी मैं सुना पाया, राम चतुर मलिक जी को भी मैंने अपना गाना सुनाया, उस्ताद रहीमुद्दीन खान साहब डागर जिनको कहते थे, उनको वो रहने वाले थे अम्बेटे के वैसे, जो सहारनपुर के पास है, लेकिन उन्होंने अपने डागुर बानी जो वो नाम जोड़ लिया था, उनको में भी मैंने अपना गाना सुना, उस्ताद खादिम हुसैन खान साहब आगरे वाले, उस्ताद लताफत हुसैन खान साहब, उस्ताद अनवार हुसैन खान साहब, इनको भी मैंने अपना गाना सुनाया। तो दादा थिरकवा खान साहब कई दो प्रोग्राम में रहे हुए जो कि मैं पहले गाया दिल्ली के अंदर, और मेरे बाद में फिर वो तबला वो बजाए, ये बड़ी खुशनसीबी मेरी। तो मुझे बड़ा याद अच्छा है वो वक्त, बहुत ये सब बात मुझे बहुत याद है। और जितने भी लोग रेडियो में प्रोग्राम करने के लिए आते थे, हाँ। उस्ताद शराफत हुसैन खां, खां साहब निसार हुसैन खां, जितने भी लोग ये सब आते थे, सबको मैंने सामने बैठ के अपना गाना मेरे वालिद ने सुनाया। उससे एक चीज़ का फ़र्क मुझको पड़ा कि मेरे दिल का जो डर या भय था वो बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गया था। खान साहब, आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आपके आज तक के सफ़र को देखा है। अच्छा, अच्छा, मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें और फिर अपनी राय से ज़रूर नवाजें। ज़रूर, आइए देखते हैं। खान साहब जी, मैं तो आपकी बड़ी मदा हूँ, आपको बहुत दफ़ा सुना, कलकत्ता में मुलाकात हुई, फिर आपके प्रोग्राम भी मैंने सुने, माशाल्लाह एक अपने घराने को आपने किराना घराना को कायम रखा हुआ है और बड़ा उसमें एक
खूबसूरती है आपके गाने में। बड़े खान साहब से अल्लाह बख्शे, उनसे दिल्ली में उनको मैंने आया करते थे मेरे उस्ताद जी के पास, और फिर मेरी तालीम भी हो रही थी उस ज़माने में। तो खान साहब इतने हसीन थे, इतने हसीन के कह नहीं सकते कि हुसन ऐसा था उनका, आपके अब वाले साहब का। तो आप उन्हीं की माहौल को आपने कायम रखा हुआ, अल्लाह आपको खुश खुर्रम रखे। मशकूर अली खान किराने घराने का बहुत ही बेहतरीन गाने वाला बच्चा ही मैं बोलूँगी, क्योंकि मेरी बेटी के समान है लोग। मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे इस किराने घराने के, अभी तो उस्ताद ही मैं भी बोलूँगी कि वो एक अकेला लड़का है, जो कि किराने घराने की सारी गायकी बंदिशें सब कुछ बेहतरीन तरह से लोगों के सामने पेश करते हैं। तो हमें तो कम से कम बहुत गर्व है ऐसे बच्चे के ऊपर, जो कि अपने संगीत को बराबर बनाए हुए रखा है। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो शतायु हों और इसी तरह से भारतीय संगीत की संस्कृति और इसकी समृद्धि के लिए सारी दुनिया में गाएं। हाँ जी, मशकूर खान साहब, मैं आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। आपको पता है हम बाहर अमेरिका में वगैरह में भी इकट्ठे रहे हैं कई दफ़ा, आपका गाना मैंने बहुत दफ़ा सुना है। तो आप बहुत प्यार करते हैं हम जैसे लोगों को भी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आपको आपका एडमायर हूँ, और मुझे बहुत पसंद है आपका गाना। आप क्लासिकल बहुत अच्छे तरीके से गाते हैं और बहुत मेहनती हैं, और अल्लाह आपको बहुत अच्छा रखे। क्या कहना चाहेंगे? ये इनकी मोहब्बत है और बड़ापन है कि मुझे नाचीज़ के लिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं। मैं तो संगीत की खिदमतगारों में से हूँ और खिदमत कर रहा हूँ। सच बात ही है, ये इनका बड़कपन है कि मेरे बारे में इतना कह रहे, मैं इस काबिल नहीं हूँ। बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ खान साहब, ऑल इंडिया रेडियो से आपको काफ़ी उनसियत रही, और देखा जाए तो बचपन आपका ऑल इंडिया रेडियो में ही बीता। फिर ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ना क्यों नहीं हुआ? ऑल इंडिया रेडियो मेरे लिए एक बहुत ख़ास जगह है, मैं उसका बहुत ऋणी हूँ। क्योंकि जब मैं 4-5 साल का था तो बच्चों के लिए अलाउड नहीं था अंदर जाना। ये 1963-64 की मैं बात बता रहा हूँ। लेकिन मेरे वालिद मुझे लेके जाते थे, और क्या था कि उनका इतना पावरफुल थे वो कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें वो मुकाम दिया था। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कभी ऐसे रोक टोक ना हो। तो उस ज़माने में स्टेशन डायरेक्टर हुआ करते थे के माथुर साहब, उन्होंने मेरा एक स्पेशल पास बना के दिया और कहा कि खान साहब बच्चों को आप गाना बताएं। बहुत छोटा था मैं, क्या बताऊँ आपको, रात को मैं सो जाया करता तो मेरे वालिद का प्यार, अल्लाह अल्लाह, मेरी चप्पलें हाथ में ले रखी हैं और मुझे ऐसे कंधे पे लिटा रखा है, और लेकिन मुझे उठा नहीं रहे। इतनी मोहब्बत, मैं क्या बयान करूं। 5:30 बजे का प्रोग्राम या 5 बजे का प्रोग्राम हुआ करता था, उसके बाद वो बजाने के बाद में फिर क्यू सीट हुआ करती थी 6 नंबर के अंदर, फिर देखते थे कि कब है या नहीं है। जो स्टूडियो खाली होता था उसमें बिठा के मुझसे रियाज लेते थे। क्या बात है। 7 नंबर में मेरी 2-3 दफ़े पिटाई हुई 7 नंबर स्टूडियो में। अच्छा। लेकिन मैं उस स्टूडियो को से जाने के बाद में अभी भी बड़ा ललचाई नज़रों से देखता हूँ, मुझे याद आता है वो सब। 3 नंबर में वहाँ मुझे ललित सिखला रहे थे, 7 नंबर में, 3 नंबर में अडाना सिखला रहे थे। तब भी मेरी मरम्मत हुई। 1 नंबर में तो कई बार हुई सुसारंग सीखते हुए या ये करते हुए। तो मतलब इस तरीके से मेरी तालीम वहाँ चलती रही। हुई। और आपका जो बहुत बड़ा परफॉर्मेंस होता है, जैसे आपने सीख लिया उसके बाद आप तो स्टेज पर शुरू से ही गा रहे थे, लेकिन हाँ। फिर जब आप पूरी आप जिसे कहते हैं ना सिद्धस्थ हो जाते हैं, तो एक बड़ा स्टेज परफॉर्मेंस हुआ, फिर आप देश विदेशों में भी गए, तो कुछ उन मौक़ों का जिक्र अगर आप करना चाहें तो। देखिए, मैं तो अल्लाह के करम से
बचपन ही से अच्छे अच्छे स्टेज के ऊपर मैं गाता बजाता आया। कमानी हॉल में किशोरी जी का प्रोग्राम था, उससे पहले मैं गाया, मेरे बाद में किशोरी जी, उसके बाद में खान साहब, विलायत खान साहब, अच्छा, जो कि मेरे बड़े भाई थे और मेरे बुजुर्ग दोस्त भी थे। वो क्या बात, बहुत प्यार करते थे मेरे से और मेरा उनका बहुत साथ रहा। छः सात घंटे कहाँ निकल जाते थे मुझे नहीं पता। इस तरीके से उन लोगों के साथ भी मैं ऊपरा तली गाया बजाया हूँ। इस तरीके से हम लोगों ने, जो शायद बहुत कम लोगों को नसीब है जो इस चीज़ के लिए तरसते हैं, हाँ। लेकिन तो शुरू से आपको वो स्टेज मिला, वो मिला, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, मेरे बुजुर्गों की दुआ है, मेरे वालिद की, जिनका मैं खिदमतगार हूँ, गुलाम हूँ, उनकी दुआएं मेरे साथ बहुत थी और उन अल्लाह का करम है कि जहाँ वो लोग गाए बजाए उनके नीचे बैठ के मैं भी। एस आर ए कब ज्वाइन किया आपने और कैसे ज्वाइन किया? एस आर ए मैंने 1981 में ज्वाइन किया। अब्बा का जब इंतकाल हुआ 1975 में, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सर से कोई चादर हट गई। उसके बाद में थोड़ी सी पैसे की भी प्रॉब्लम कुछ आने लगी, तो क्या हुआ कि जो अब्बा का जो जमा पूंजी थी उसमें से फिर खाना शुरू हो गया, तो उसमें से कुछ खर्चा हुआ उसके बाद में। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मैं किसी का कर्जदार नहीं रहा उस ज़माने में भी। लेकिन खुदा की कुदरत थी, मेरी शादी 20 फरवरी को हुई और उसके बाद ही 15 दिन के बाद में मुझे एसआरए की चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था कि हम चाहते हैं कि आप यहाँ आए। और तो फिर मेरी पंडित विजय कुमार किचलू जी से अमर मिश्रा जी के घर में बातचीत हुई, मैं गाया बजाया भी वहाँ। वैसे तो मैं 1975 में भी उनकी कॉन्फ्रेंस में गाया था कमानी हॉल में, लेकिन वहाँ बातचीत मेरी उनसे हुई। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें आना है। मैंने कहा जी जैसे आप हुक्म दें। तो मैं वहाँ चला गया। तो जाने के बाद में मैं एक म्यूजिशियन स्कॉलर के रूप में वहाँ रहा। मैंने किसी के पास से सीखा नहीं, क्योंकि मेरे पास इलम अल्लाह ताला ने इतना दिया था कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि जो मैं किसी के हाथ में हाथ सामने हाथ फैलाऊँ। लेकिन उसके बाद फिर आप कोलकाता के ही होकर रह गए। फिर उसके बाद में क्या हुआ ना कि एक साल तो मेरी वहाँ दिल नहीं लगा, एक साल मेरा। लेकिन उसके बाद में जब कुछ प्रोग्राम वगैरह मेरे शुरू हो गए, तो मैंने देखा कि ये गाने बजाने की कलकत्ता एक माँ है, ये तो इतना म्यूजिशियन को प्यार देती है, इतना मोहब्बत मिलती है कि शायद मैं सच बात कहूँगा कि बहुत कम जगह ऐसी है जहाँ इतना मान दिया जाए, मान दिया जाता है। और फिर मैं माशाल्लाह से चारों तरफ हिंदुस्तान के चारों तरफ खूब जाके गाया बजाया। फिर 92 में विजय किचलू जी जो हमारे डायरेक्टर थे मुझे अमेरिका ले गए। तो खान साहब कुछ लोग और हैं आपकी ज़िंदगी में, उन्होंने अपनी राय दी है, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। आई मशहूर खां, मैं दुआ करती हूँ आप हमेशा इसी तरह बहुत अच्छा गाते रहिए। आप ऐसे अजीम फनकार, इत्ताए ज़माना सारंगी नवाज उस्ताद शकूर खां साहब के चश्मो चराग हैं, उनके बेटे हैं कि उनकी तालीम आपके पास है। सुभान अल्लाह, उनकी दुआएँ आपके साथ हैं, खुदा आपको हमेशा इसी तरह अच्छा रखे। हम बचपने से उनको देखते आ रहे हैं और हमने सिर्फ एक ही चीज़ देखी थी बचपने से जो हमारे ज़िंदगी में भी काम आया, क्योंकि हम जो भी हैं आजकल, आज जो भी हैं मतलब रियाज करते, तो हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि हम जब छोटे थे हमने उनको देखा अपने बड़ों की इज्जत करते हुए और रियाज करते हुए और सीखते हुए अपने वालिद के साथ में। हमें हमारे वालिद बताते थे उस्ताद मशकूर अली खान साहब हमेशा अपने वालिद के साथ में हमेशा रियाज करते रहते थे। और उन्होंने रियाज तो खैर किया, लेकिन आज लाखों करोड़ों बच्चों को तैयार किया। हम भी उनमें से हैं जिन्होंने, हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है। और मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, मैं उनके गायकी को बहुत पसंद करता हूँ और जब भी मैं उनके पास जाता हूँ कैलकटा में मुझे कुछ ना कुछ सीखने ही मिलता है। और मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह उनको और तरक्की दे, और तरक्की दे, उनकी उम्र रखे। ये वाजिद मियाँ हैं, साजिद वाजिद जी, ये माशाल्लाह से बहुत
होनहार हैं और बड़ा अच्छे आजकल नाम रोशन कर रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो अभी आपने युवा कलाकारों से आपकी क्या उम्मीदें हैं? युवा कलाकारों को मैं चाहता हूं कि उनको तालीम लेना बड़ा ज़रूरी है, तो मैं उन बच्चों को ये देना चाहता हूं कि पहले गाने को समझें। हाँ। जैसा पब्लिक को देंगे पब्लिक वैसा ही लेगी। ऑडियंस का तो ऐसा है कि ऑडियंस को बनाई जाती है, जब ऑडियंस की समझ में आने लगता है तो सोचती है कि भाई सुभान यार अभी ये तो कमाल है। तो चलते चलते आपकी पसंद का एक गाना भी सुन ले हम लोग, जो आपको बेहद पसंद रहा हो। मुझे एक लता जी का गाना, हाँ। सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो सो जाऊं, गुनगुनाएंगे थोड़ा सा। सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो सो जाऊं, तुम आओ तो सो जाऊं। सपनों में कभी साजन बैठो मेरे पास आके, सपनों में कभी साजन बैठो मेरे पास आके, जब सीने पे सर रख दूं मैं प्यार में शर्मा के, एक गीत मुहब्बत का तुम गा तो सो जाऊं। साहब आज आप शख्सियत में तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये कुछ कहने का मौका दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हम बहुत ममनून हैं कि आपने बड़ा बेशकीमती ख़जाना हमारे साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ये तो आपकी ज़रा नवाजी है और मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही, ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।